vector quantity. Why it is vector? Because it has direction एंड मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी रखती हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है कि कितना डायपोल मोमेंट रखता है, कितनी पोलरिटी रखता है, तो मैग्नीट्यूड भी रखता है, वैल्यू भी रखता है, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है, इस वजह से ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर का, और बहुत अच्छे सीक्वेंस के साथ हम आ रहे हैं। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस किया, VBT को डिस्कस किया, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया हमने, रेजोनेंस डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द वेस्पर थ्योरी इन डिटेल्स। सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट द बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, आखिरी पोर्शन है। बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड की खसूसियात, बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, बॉन्ड के ख्वास, क्या क्या ख्वास होती हैं, बॉन्ड्स की क्या क्या बिहेवियर्स होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए भैया, वॉट इज बॉन्ड? बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ था, स्पेशली अ केमिकल बॉन्ड, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस करते हैं तो ये सपोज करिए हमने HCl मालिक्यूल लिया हुआ, ये मैंने HCl मालिक्यूल, यू कैन सी इट, दिस इज द HCl मालिक्यूल एंड दिस HCl मालिक्यूल हैज़ द हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम। इसमें हाइड्रोजन एटम मौजूद है और क्लोरीन एटम मौजूद है, और हमें पता है कि चूंकि क्लोरीन का ताकत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मैंने जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं वो मैंने क्लोरीन की तरफ ड्रॉ किए हैं, वो मैंने क्लोरीन की तरफ ड्रॉ किए हैं। अब इस बॉन्ड, कैसे बोलते हैं बॉन्ड, विच होल्ड्स टुगेदर टू एटम्स, विच होल्ड्स टुगेदर टू एटम्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टुगेदर टू एटम्स इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। सही है, केमिकल बॉन्ड। अच्छा, अब इस केमिकल बॉन्ड के कुछ पॉइंट्स, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। उनके लिए सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है, इस बॉन्ड का क्या होगा, इस बॉन्ड की एक लेंथ होगी, इस बॉन्ड की, या इस एटम से लेकर इस एटम के न्यूक्लियस से लेकर इस एटम के न्यूक्लियस तक का जो फासला होगा दो बॉन्ड एटमों के दरमियान, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड नंबर वन, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते भैया? बॉन्ड लेंथ। पहले जो करेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज बॉन्ड लेंथ। सेकंड जो हमारी करेक्टरिस्टिक होगी जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉन्ड दैट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है भैया? बॉन्ड एनर्जी के बाद जो हम अगली थर्ड करेक्टरिस्टिक अभी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। देखिए भैया, ये बॉन्ड लेंथ था, और इस बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दरकार थी, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। अब यहां पर इन दो एटमों के बीच, ये इस एटम का भी एक ताकत है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है। अब इन दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान एक फर्क होता है,
देखिए भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क कितना आता है, इसे बोलते हैं बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये फिर बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, उसकी वजह से बॉन्ड पोलर बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो हम थर्ड जो हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज डिफरेंस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की एक मूवमेंट है टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होती है, ताकत की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, मूव कर जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। क्या बोलते भैया, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट। कितने आ गए भैया, चार बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अच्छा, अब इस बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, बॉन्ड की इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कुछ बॉन्ड जो होती हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं, कुछ बॉन्ड्स लेस रिएक्टिव होती हैं। तो इसे मुराद हम बॉन्ड की पोलरिटी के साथ साथ बॉन्ड की रिएक्टिविटी की भी बात करेंगे। यस ऑफ कोर्स। सो द द द द फिफ्थ वन, द फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, द फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स भी किस पर डिपेंड करती है, बॉन्ड पर डिपेंड करती है। अगर बॉन्ड रिएक्टिव होगा, अगर बॉन्ड पोलर होगा तो रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, रिएक्टिव बॉन्ड होगा, और अगर बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। और सिक्स्थ जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो ये है कि वी विल टॉक अबाउट व्हाट, द सॉल्युबिलिटी। यस, बॉन्ड की पोलरिटी और बॉन्ड की नॉन पोलरिटी की वजह से ही मॉलिक्यूल्स या बॉन्ड्स सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द व्हाट, दीज आर द सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, साथ दीजिएगा। पहली बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ को हम डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस आर द एवरेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स आर आइंस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाती है भैया, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं, या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं। इसकी हम कैसे वो करते हैं, यहां पे देखिए, इस हाइड्रोजन की न्यूक्लियस से लेकर, इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से लेकर इस क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस तक का जो फासला है, इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से लेकर इस क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस तक का जो फासला होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं,
बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को हम मेजर कैसे करते हैं, इसको नापा कैसे जाता है, तो इट्स यूनिट इज, इट्स यूनिट इज, इसके लिए यूनिट क्या इस्तेमाल होती है, द यूनिट इज नैनोमीटर एंगस्ट्रम। सही है, चूंकि ये बहुत कम फासला होता है इस वजह से हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं नैनोमीटर। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एंगस्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज नैनोमीटर, आप लोगों को पता है नैनोमीटर से मुराद है, नैनो से मुराद है 10^-9 मीटर। नैनो 10^-9 और मीटर मीटर, तो 10^-9 मीटर को हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। और एंगस्ट्रम किसके बराबर है, एंगस्ट्रम बराबर है 10^-10 मीटर। एंगस्ट्रम खुद किसके बराबर है, एंगस्ट्रम खुद बराबर है 10^-10, गलत, 10^-10 मीटर। सही है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करती हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ फिजिकल क्लासेस में, यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। अगली बॉन्ड करेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी। क्या भैया, बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी से क्या मुराद है, बॉन्ड एनर्जी से मुराद है the amount of energy, the amount of energy required are released, जो या तो दरकार हो या रिलीज हो जाए, to break or make a bond, the amount of energy required कब होती है, कब बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जब बॉन्ड को तोड़ना होता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो या बॉन्ड को तोड़ते वक्त जो एनर्जी दरकार हो, या बॉन्ड को बनाते वक्त, या बॉन्ड के बनते वक्त जो एनर्जी क्या हो जाए, जो एनर्जी रिलीज हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड आर रिलीज्ड टू मेक अ बॉन्ड। एक बॉन्ड को बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, या एक बॉन्ड को तोड़ते वक्त जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है या रिक्वायर्ड हो जाती है, सच एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। उसे हम क्या बोलते हैं भैया, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एनर्जी सपोज कर लें मेरे पास आ रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अगर मुझे तोड़ना हो, क्या करना हो, ब्रेक करना हो, अगर मुझे इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करना हो, सो आई नीड व्हाट, आई नीड एनर्जी, इसके लिए एनर्जी क्या होगी, इसके लिए एनर्जी दरकार होगी। ये जो एनर्जी दरकार है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगी, एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, वो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम बना लेंगे। सही है। अच्छा अब यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार हुई, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी।
एंड जब मालिक्यूल ब्रेक हो गई, सपोज कर हम दोबारा मालिक्यूल को बना रहे हैं और इन दोनों हाइड्रोजनों को मिला रहे हैं, जब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में दोबारा मिलेंगी तो जाहिर सी बात हाइड्रोजन मालिक्यूल बनाएगी। अब जब ये दोबारा हाइड्रोजन मालिक्यूल बनाने की कोशिश करती है, वापस आती है और H2 बनाने की कोशिश करती है, और फरमाई मैं इस चीज़ को रिवर्स कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की खातिर, अलग अलग नहीं समझा सकता, स्पेस नहीं हमारे पास। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन वापस मिलेंगी, अब जब दो एटम्स आपस में वापस मिलती है तो इस दौरान एनर्जी क्या हो जाती है, अब एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब एनर्जी क्या होना होगा, अब एनर्जी को रिलीज होना होगा। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म, जब एक बॉन्ड बनता है तो इस दौरान एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। सच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द व्हाट, द बॉन्ड एनर्जी। इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं भैया, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जोड़ेगा, अच्छा बॉन्ड एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, अगर हमने एक मोल बॉन्ड को तोड़ना हो, एक मोल बॉन्ड को, तो एक मोल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी दरकार उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, जब हम मोल्स में बात करते हैं, इस वजह से इसकी जो यूनिट्स होते हैं, द यूनिट्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी आर किलो जूल पर मोल, आर किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा बॉन्ड एनर्जी का दूसरा नाम है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी का दूसरा नाम क्या है भैया, बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, और इसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, दोनों आ सकती है, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, आर वी कैन से किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है भैया, अच्छा। और याद रखिए ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है, छोटा भैया गौर फरमाइए, ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये होती है डेल एच, इसे हम डिनोट करते हैं किस चीज से, डेल एच से, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी ये डेल एच है, जो रिक्वायर्ड हो या रिलीज हो जाए। तो याद रखिए ये एंडोथर्मिक भी होती है और एक्सोथर्मिक भी होती है, याद रखिएगा। इट्स साइन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव किलो जूल पर मोल या नेगेटिव किलो जूल पर मोल। व्हेन इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव से मुराद एंडोथर्मिक, जब आप ब्रेक कर रहे हो, जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऐड करना होता है, और ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, पॉजिटिव साइन। आप लोगों के बुक में ये एग्जांपल्स मौजूद हैं, हम वहाँ पर इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इन फिजिकल क्लासेस, सही है, यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, हमारे ये चैप्टर काफ़ी लेंथी माशाल्लाह हो गया है, इसको आप मजीद एक्सप्लोर नहीं कर सकते, मजीद टॉपिक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे हमारे फिजिकल क्लासेस में। चलो जी, अगर बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो डेल एच मतलब बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। और अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें इस बॉन्ड को वापस बनाना हो या बॉन्ड बनता हो तो बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और रिलीज के लिए हम क्या करते हैं, डेल एच नेगेटिव लेते हैं, डेल एच क्या, नेगेटिव। तो याद रखिएगा बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक डेल एच पॉजिटिव, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक डेल एच नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव। क्लियर है भैया, ये देखिए आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो इंडो अमल है, एनर्जी अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और बॉन्ड मेकिंग क्या है, बॉन्ड मेकिंग में बॉन्ड एनर्जी वापस निकल रही है, तो दिस व्हाट, दिस इज एक्सोथर्मिक, माइनस साइन, डेल एच नेगेटिव। सही है भैया, अच्छा दो करेक्टरिस्टिक हो गई, चले थर्ड करेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम डिफरेंस की डिफिनेशन नहीं कर सकते, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पोलरिटी। क्या बोलते भैया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड पोलरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड पोलरिटी। भैया ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड पोलरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को नहीं बल्कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद है द एबिलिटी
या द पावर ऑफ एन एटम द एबिलिटी आर द पावर ऑफ एन एटम द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट टू व्हाट टू अट्रैक्ट the bond pair electron ka joda bond ke andar electron ka joda bond pair toward itself ke wo electron ke jode ko towards itself ke wo kya kar rahe hain electron ke jode ko ek bond ke andar बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर एग्जांपल यहां पर आप चेक कर लें एचसीएल मॉलिक्यूल में मैंने एचसीएल मॉलिक्यूल बनाया हुआ है. इस एचसीएल मॉलिक्यूल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0 समथिंग और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 समथिंग इतनी होती है. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3. तो किसका ताकत ज्यादा है? क्लोरीन का ताकत ज्यादा है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसको दरमियान में होना चाहिए था मगर नहीं, ये दरमियान में नहीं है. किसकी तरफ है? क्लोरीन की तरफ है. क्यों क्लोरीन की तरफ है? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और उस एटम को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के मुकाबले में ज्यादा होती है दैट एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. उस एटम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम बोलते हैं. सही है भैया? तो हम बोलेंगे कि इस एचसीएल मॉलिक्यूल में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं. इस एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस एटम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाँ शाबाश, क्लियर है भैया? अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एटम की एबिलिटी है, इसका ये बॉन्ड करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये एटम की एबिलिटी है. अब ये जो एटम की एबिलिटी है इसी की वजह से बॉन्ड के ऊपर कुछ असर होता है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और उसकी वजह से क्या आती है? बॉन्ड पोलरिटी आती है. बॉन्ड पोलरिटी, बॉन्ड पोलर कब होता है? कोवलेंट बॉन्ड कब पोलर बनता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आए, एक ताकतवर हो दूसरा कमजोर हो. कमजोर देगा और क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेगा. सही है? जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या बन जाती है? मॉलिक्यूल बन जाती है या बॉन्ड बन जाती है पोलर. बॉन्ड क्या बन जाती है? पोलर बन जाती है. और इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पोलरिटी. क्या बोलते हैं भैया? बॉन्ड पोलरिटी. सो व्हाट इज बॉन्ड पोलरिटी? बॉन्ड पोलरिटी इज एक्चुअली द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना फर्क आता है उसे बोलते हैं बॉन्ड पोलरिटी. मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ, ये पॉइंट जरूरी आप लोगों के पास एंट्री टेस्ट में आती है. छोटे भैया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटमों के बीच, if the difference in electronegativity, if the difference in electronegativity, agar electronegativity ki difference kya ho 0 se lekar 0.5 tak ho, kahan tak ho bhaiya? 0 से लेकर 0.5 तक रेंज में आ रहा, मतलब दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना आ रहा हूँ, 0 से लेकर 0.5 के रेंज में आ रहा हूँ, तो याद रखिएगा उन मॉलिक्यूल्स को या उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं, उन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. दैट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ऐसा बॉन्ड जहां पर दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, या तो बिल्कुल जीरो हो या जीरो से लेकर 0.5 के रेंज में आ रहा हो, तो हम उस बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड. और ये अमूमन किस में होती है? तकरीबन होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स में होती है अमूमन, मतलब सिमिलर एटम्स के बीच होती हैं, या वहाँ पर होती है जहाँ पर दो एटमों की ताकत के दौरान फर्क बहुत कम होता है, मतलब आपके पास
CH4 आप कर सकते हो, H2 कर सकते हो, Cl2 कर सकते हो। ये तमाम किस में आ रही है? ये तमाम आ रही है नॉन पोलर रेंज में। किस रेंज में आ रही है भैया? नॉन पोलर रेंज में। अच्छा, सेकंड केस, इफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, इफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज फ्रॉम 0.5 to 1.7, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो 0.5 से लेकर 1.7 तक हो, या हम कुछ बुक्स लिखती है 0.5 से लेकर कहां तक, 2 डिफरेंस तक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो 0.5 से लेकर 2, इस रेंज में हो, अगर इस रेंज में कोई भी मालिक्यूल हो उसमें इन इस रेंज के दरमियान में अगर उसकी वैल्यूज आ रही है, या कुछ बुक्स लिखती है 2 तक, 0.5 से लेकर 2 डिफरेंस तक, अगर यहाँ पर डिफरेंस में आ रही हो तो याद रखिए उन मालिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाती है भैया? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जहां पर दो एटमों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो 0.5 से लेकर 1.7 या 2, तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सी है? HCl वाली, HF आप लोगों के पास, HBr आ रही है आप लोगों के पास आ रही है, दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में OH के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये तमाम की तमाम क्या आती है? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है बट पोलर है, सही है। कौन कौन सी आ रही है? HCl, HF, HBr, OH, ठीक है जी, NH, अमोनिया में, ये जितने भी बॉन्ड्स हैं दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है भैया। और याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो हो वो क्या हो, वो ग्रेटर देन 1.7 आ जाए, या ग्रेटर देन 2 आ जाए, या ग्रेटर देन 1.7 आ जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ जाए 1.7 से ऊपर आ जाए 2.1, इतना आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, तो याद रखिए दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज प्योरली आयनिक बॉन्ड्स। उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है भैया? आयनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल क्या है? NaCl, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी बॉन्ड्स हैं मेटल और नॉन मेटल वाली, वो तमाम के तमाम में अगर आप देखते हो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस, तो दैट इज 1.7 से ऊपर आ रही होती हैं। 1.7 से क्या आ रही होती है भैया? ऊपर आ रही होती हैं, सही है। कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स की, ये ज़रूरी है आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के एंट्री टेस्ट वगैरह के लिए यही एलिमेंट्स आते हैं, अक्सर इन्हीं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ डिफरेंस आती हैं। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग इस वक्त चेक कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आपको दिख रही होंगी। ये अपने साथ याद रखिएगा, इन्हीं से आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी, और यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आती हैं, यही डिफरेंसेस आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, कितने हो गए? 3 हमारे पास हो गई करेक्टरिस्टिक, बॉन्ड करेक्टरिस्टिक्स। अगली पढ़ते हैं द डायपोल मोमेंट। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट जो है वो फिर पोलरिटी की मेजरमेंट, बॉन्ड पोलरिटी की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट बोलते हैं। डायपोल मोमेंट से हमें पता लगेगा कि वो जो मालिक्यूल है वो कितना ज़्यादा पोलर है। पोलर तो है, कितना पोलर है? आया वो 70% पोलर है, आया वो 80% पोलर है, आया वो 90% पोलर है, आया वो प्योर आयनिक है, आया वो कोवलेंट है, आया वो 50% कोवलेंट है, 50% आयनिक है, ये तमाम की तमाम हमें कहाँ से पता लगती है? दैट इज़ फ्रॉम डायपोल मोमेंट। सो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज एक्चुअली द पोलरिटी, द मेजर ऑफ पोलरिटी, द व्हाट? The measure of polarity. Polarity, molecule की polarity के measurement को हम क्या बोलते हैं? Dipole moment बोलते हैं। So what is dipole moment? Dipole moment भी हम discuss करेंगे physical classes में detail के साथ। And what is dipole moment? Dipole moment is the mathematical definition. वैसे तो इसकी theoretical definition ये है कि the measure of polarity of a bond, एक बॉन्ड की पोलरिटी को
हम क्या बोलते हैं मेयरमेंट को हम क्या बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं। डायपोल मोमेंट का अगला नाम है बॉन्ड मोमेंट भी बोलते हैं, बॉन्ड मोमेंट या डायपोल मोमेंट। एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट या डायपोल मोमेंट, या बोलते हैं मेयर ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। अच्छा मैथमेटिकली किस तरह डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच पोल, हर पोल पर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कौन से चार्ज? हर पोल पर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल पर जो चार्ज है उस चार्ज प्रोडक्ट के साथ, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन ईच एंड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन चार्जेस के दरमियान क्या फासले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? डायपोल मोमेंट आएगा। डायपोल मोमेंट को हम जाहिर करते हैं किस चीज से? डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय व्हाट? डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज इक्वल्स टू द व्हाट? क्यू इनटू आर। व्हाट इज द क्यू ओवर हियर? क्यों यहां पर क्या चीज जाहिर कर रही है? क्यों यहां पर जाहिर कर रही है? द चार्जेस ऑन द पोल्स, जो मॉलिक्यूल जो बॉन्ड है उन बॉन्ड्स के इस एटम और उस एटम पर जो चार्जेस आ रही हैं, जो चार्जेस आ रही है, जाहिर सी बात है यह स्लाइटली पॉजिटिव है और यह स्लाइटली क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज कूलम्ब में कितनी वैल्यू रखती है इलेक्ट्रॉन के लिए? दैट इज व्हाट? दैट इज 1.602 इंटरनल फॉर -19 कूलम्ब, और पॉजिटिव चार्ज पर भी उतना है, ठीक है जी। तो उन चार्जेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? उनके दरमियान डिस्टेंस, उनके दरमियान फासला, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, और ये चार्जेस हर आयन पर या हर एटम पर जो चार्ज होगा उस बॉन्ड में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस बॉन्ड लेंथ के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डायपोल मोमेंट। क्या मिलेगा भैया? डायपोल मोमेंट। अच्छा डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या है? डायपोल मोमेंट की एक यूनिट हमारे पास आ रही होती है, डायपोल मोमेंट यूनिट इज द यूनिट इसकी आ रही होती है, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो द यूनिट इज व्हाट? यूनिट इज द चार्ज यूनिट इज कूलम्ब एंड डिस्टेंस यूनिट इज मीटर। कूलम्ब मीटर इसका यूनिट है, या इसका अगला यूनिट है आप लोग पढ़ते रहते हो द सेकेंड यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डिबाई। क्या भैया? डिबाई, ठीक है जी। क्या रही है? कूलम्ब मीटर, या कौन सा यूनिट है इसका? डिबाई, जो कि सजार की जाती है, कैपिटल डी सजार की जाते हैं, सही है। अच्छा अब डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सपोज कर लिए हमारे पास यही HCl या HI मॉलिक्यूल है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आयोडीन। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे? आयोडीन। तो हम डायपोल मोमेंट को याद रखिएगा, डायपोल मोमेंट को हम एक मॉलिक्यूल के ऊपर कैसे ड्रॉ करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई एन एरो विद कट टेल। एरो विद व्हाट? विद कट टेल। ये कट टेल है इसका, टेल कट है, एरो विद कट टेल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। ये जो हेड होगा, हेड किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ, याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसकी तरफ क्या होगा? उसके ऊपर होगा हेड, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर होगा क्या? टेल। मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर क्या होगा? टेल, और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के ऊपर क्या होगा? हेड। याद रखिएगा द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टूवर्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। हमेशा याद रखिएगा कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, हमेशा किसकी तरफ होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से किसकी तरफ? इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ जुड़ेगा।
अच्छा, और इसका टेल कहां पर होगा? टेल हमेशा कट टेल इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ और हेड हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ। इसको काइंडली आप लोग फोकस कीजिए, ये आप लोगों के पास जरूरी है, इसको आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें। ये पूछी जाती है कि डाइपोल मोमेंट का हेड किसकी तरफ होता है? टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, और टेल किसकी तरफ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की तरफ। सही है? आप लोगों ने याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, ये जो पॉजिटिव एंड है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव एटम जो होगा उस पर टेल होगा, तो पॉजिटिव एटम जो है उसके ऊपर क्या आ रही है? टेल आ रही है। ये देखिए, ये कट है या नहीं है, और ये भी क्या है? कट है। इस वजह से हम इसको याद रख सकते हैं कि टेल कट टेल ऑफ द इलेक्ट्रो ऑफ द डाइपोल मोमेंट वुड विल बी प्रेजेंट ऑन व्हाट? ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा? टेल होगा, और नेगेटिव चार्ज पर क्या होगा? हेड होगा ऑफ द डाइपोल मोमेंट। सही है? चलिए जी, तो यहां पर भी ऐसा है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आयोडीन। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 2.6 आ रही है, और उसकी कितनी आ रही है? 2.1 आ रही है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रही है, और जो इलेक्ट्रॉन खींचती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाती है, हम उसके लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन शो करते हैं ऐसे। सही है? नेक्स्ट, याद रखिए, डाइपोल मोमेंट एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, जो हम फिजिकल क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बहुत सारा ज़्यादा हम सरसरी चल रहे हैं, बहुत हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर फैक्टर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं। किसी कभी मैंने फैक्टर डिस्कस नहीं किया, ना बॉन्ड लेंथ का, ना बॉन्ड एनर्जी का, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का, ना डाइपोल मोमेंट का मैं फैक्टर डिस्कस करूँगा। सही है? आई विल जस्ट डिस्कस देयर डिफिनेशंस, देयर यूनिट्स एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। सही है? तो डाइपोल मोमेंट जो है, याद रखिए, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शनल है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन रखती है। इस वजह से ये क्या है, याद रखिए, हम बोलते हैं कि जो आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज़ वेक्टर? बिकॉज इट हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी रखती हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है कि कितना डाइपोल मोमेंट रखता है, कितनी पोलरिटी रखता है। तो मैग्नीट्यूड भी रखता है, वैल्यू भी रखता है, वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है। इस वजह से ये क्या है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और हमें पता है फिजिक्स में कि जो चीज़ जो प्रॉपर्टी क्या रखे, जो प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड रखे और डायरेक्शन रखे, हम उससे बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है? समझ आ रही है? क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन है ऑलवेज फ्रॉम वेयर, ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टुवर्ड इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव, ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्लियर भैया? अब ऐसे मालिक्यूल जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, और ऐसे मालिक्यूल जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो, और ऐसे मालिक्यूल जिनमें कोवलेंट पोलर हो, तो इनकी रिएक्टिविटीज में फ़र्क होता है। ये सारा का सारा किसकी वजह से? बॉन्ड की वजह से। बॉन्ड की वजह से ही मालिक्यूल या तो ज़्यादा रिएक्टिव होती है या क्या होती है? कम रिएक्टिव होती है। ठीक है जी, कुछ बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कुछ बॉन्ड कम रिएक्टिव होती है। चलिए, आप लोगों ने आर्डर याद रखना, इसे बोलते हैं बॉन्ड रिएक्शन काइनेटिक्स, बॉन्ड रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन की स्पीड कि कौन से रिएक्शन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कौन से बॉन्ड्स कम रिएक्टिव होती है, कौन से बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। याद रखिएगा, आप लोगों ने याद रखना होगा, आयनिक बॉन्ड इज द मोस्ट रिएक्टिव, आयनिक रिएक्शन आर इज द मोस्ट मोर फास्टर। याद रखिएगा, सही है? आयनिक बॉन्ड्स की रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है, देन व्हाट? देन कोवलेंट। यहां तक ओके है? आयनिक मॉलिक्यूल्स की या आयनिक बॉन्ड की रिएक्शंस काइनेटिक्स फास्टर होती है देन व्हाट? देन कोवलेंट काइनेटिक्स, देन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में आयनिक बॉन्ड का रिएक्शन क्या होता है? फास्ट होता है, तेज होता है, ज्यादा रिएक्शन करता है, अनस्टेबल होता है। अच्छा, फिर कोवलेंट बॉन्ड में दो तरह की आ रही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के, कुछ होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट, कुछ होते हैं पोलर कोवलेंट। तो अब यहां पर अगर मैं मजीद बात करूं कोवलेंट बॉन्ड में, तो कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास मजीद दो तरह की आ रही है। एक होती है पोलर कोवलेंट और एक होती है नॉन पोलर कोवलेंट।
एक होती है पोलर कोवेलेंट, एक होती है नॉन पोलर कोवेलेंट। तो ध्यान दीजिएगा भैया, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? यस एग्जैक्टली, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फिर ज्यादा रिएक्टिव है किसके मुकाबले में? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। मतलब अगर आप लोगों को दिया जाए कि NaCl ज्यादा रिएक्टिव होगा या NaCl ज्यादा रिएक्टिव होगा या हमारे पास आ रही है HCl ज्यादा रिएक्टिव होगा या H2 ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो एग्जैक्टली चूंकि आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड क्या आ रही है? मोर रिएक्टिव आ रही है। आयनिक रिएक्शन क्या होती है? मोर रिएक्टिव होती है। तो आयनिक, फिर आयनिक के बाद क्या, ये दोनों कोवेलेंट है। अब इन दोनों कोवेलेंट में पोलर कोवेलेंट, HCl पोलर कोवेलेंट है, ये क्या हो जाएगा? ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा देन व्हाट? देन H2। सही है। सो हम बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव है या आयनिक बॉन्ड मोर रिएक्टिव है देन कोवेलेंट। कोवेलेंट फिर दो तरह के, पोलर और नॉन पोलर। तो याद रखिएगा, पोलर कोवेलेंट मोर रिएक्टिव है देन व्हाट? देन नॉन पोलर कोवेलेंट। सही है, ये बात हो गई। ये भी किस पर डिपेंड कर रही है? बॉन्ड पर ही डिपेंड कर रही है। अच्छा, और लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जोड़े के, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है भैया, सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड भी डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड की पोलरिटी के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, बॉन्ड की पोलरिटी के ऊपर। याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक वाला प्रॉब्लम, वो आपके पास पोलर बॉन्ड्स डिजॉल्व होती है पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर बॉन्ड्स या पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व होती है पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक डिजॉल्व लाइक, और नॉन पोलर डिजॉल्व होती है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये भी किसकी वजह से? बॉन्डिंग की वजह से। इससे मुराद है सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? बॉन्डिंग के ऊपर। पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर, पोलर डिजॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। क्लियर है भैया? इससे मुराद है, याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी भी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? बॉन्ड पर ही डिपेंड कर रही है और बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 6 के 6 पॉइंट्स समझ आ चुके होंगे। इसकी फैक्टर्स, इनकी मजीद डिटेल्स यहां पर हम नहीं पढ़ सकते, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे, आप लोग इंजॉय भी करते रहे होंगे। दुआएं देते रहेगा और दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों तक बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करते जाएं और आप लोगों को सर्व करते जाएं और यूं ही केमिस्ट्री फैलाते चले जाएं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोगों की हेल्प का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे फिज़िकल क्लासेस को अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे यूट्यूब चैनल की क्लासेस को, वीडियोस को, लेक्चर्स को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और भी मज़ीद आप लोगों से सपोर्ट की इल्तिजा है कि यूं ही सपोर्ट करते जाएं। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते रहेंगे इतने अच्छे अच्छे मैनर्स के साथ, इतने अच्छे अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह हम डिलीवर करते जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान, द खुदाई पामान।